चक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। कान्हा के दर्शन को व्याकुल दौड़ाए गणेश, सम्मोहित से बस देख रहे हरि को ये प्रथमेश। कान्हा, तूने कही थी ना गणेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे। देख तेरे गणेश जी। क्या देखा है लल्ला? कान और सुन वैसे ही बड़े बड़े हैं मैया, जैसा मैंने सुना था, पर पेट सोचा था उससे भी बड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हो आप सब? मोटे गणेश जी आए, शीघ्र भोजन करा, बहुत अधिक भूख लगी है इन्हें। तुझे कैसे पता इन्हें भूख लगी होगी? इतने समय तक गणेश जी से तेरी मैया बातें कर रही थी, अब क्या तुझसे भी बात कर रहे? अरे हाँ, मुझसे तो बात ही नहीं की गणेश जी ने। लल्ला, तू इनके भूख की चिंता मत ही कर, इनके लिए तो भोजन कब से तैयार है। हमें सबसे पहले स्वयं गणेश जी के विग्रह को मंदिर ले जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। पंडित जी को संदेशा भिजवाओ और आप सब लोग मेरी सहायता करो। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। गणेश जी की जय। मैया प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रभु को बुलाने की पूजा होती है कान्हा। मूर्ति स्थापित करके उनका आवाहन किया जाता है ताकि वे इस मूर्ति में समा जाएं, तभी तो वे हमारी विनती स्वीकार करेंगे। जो अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसीलिए गणेश जी मुझसे बात नहीं कर पा रहे। श्री गणपति गजानन महाराज की पूजा प्रतिष्ठा संपन्न हुई, आइए हम सब मिलकर इन्हें भोग लगा सकते हैं। गणेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे बहुत सारी बातें करूंगा मैं। मुझे गणेश जी से बातें करनी है, मुझे भी तो आगे जाने दो। मैं भी कान्हा हूँ गणेश जी, आप तक पहुँच के ही रहूंगा मैं। लो गणेश जी, मैं आ गया आपके सामने, चलो बातें करें। क्या हो गया, आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? बोलो गजानन महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज। ओ, इन जयकारों की ध्वनि के कारण आपको मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इन सबके जाने तक यही प्रतीक्षा करूंगा मैं। सब चल के अब प्रसादी ग्रहण करते हैं, चलिए। अब तो आपको मेरे लिए समय मिल गया मोटे गणेश जी। मैया से आपके बारे में सुन के मैं इतना उत्साहित हो गया था कि मैंने भोजन की ढेर सारी वस्तुएं प्रकट कर दी, और वो आपके लिए। अरे आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? ये लीजिए लड्डू, खाइए ना,
अब वो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मत करो बात। कम से कम एक लड्डू खाने के लिए मुंह तो खोल दो। ये लीजिए। आइए ना। मुझे आपको भी लड्डू खाना बहुत प्रिय है और खेलना भी प्रिय है, तभी तो आप कितना छुपन छुपाई खेले। आप अभी कुछ नहीं बोल रहे, लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है। करनी है कान्हा, तभी तो यहाँ आया हूँ। अब जाके बोलो, अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। अरे काना कहाँ है, भूख लगी होगी उसे। अवश्य गणेश जी के साथ बैठा होगा, जब से देखो है गणेश जी से सम्मोहित हो गए। मैं लेके आती हूँ। जब मैया ने बताया मैंने आपको देखा है, पर फिर कहीं आप दिखाई ना दे तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। ऐसे कैसे चला जाता कान्हा, आपके दर्शन करने, आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ वृंदावन में। सच्ची बताओ, मेरी लीलाओं के लिए आए हो आप? हाँ कान्हा, आपकी गोकुल की लीलाएं मैं नहीं देख पाया, पर वृंदावन की एक भी लीला मुझसे छूट नहीं पाएगी। यही वृंदावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं। आज के बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है, मोटा गणेश। और जिस तरह पूरे वृंदावन का चक्कर काटने के बाद ब्रजवासियों ने मुझे ढूंढा है, उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा तो मैं उसके सारे विघ्न शीघ्र ही हर लूंगा। तो फिर गणेश जी, आपके इस विग्रह को कलयुगवासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे, और तब जो भी आपके दर्शन करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, मैया, कान्हा, कहीं मैया ने मुझे गणेश जी के साथ बातें करते हुए देख तो नहीं लिया? जी, गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई? सुनो जी, जी देखो, ये कैसे संभव है? जी का होगा जी, और ये कैसे होगा? देखो ना जी, जी गणेश जी की मुद्रा बदल गई ना। अब जे मत ही कहना कि जे भी मेरी कल्पना है। नहीं है सुधा, तुम सही कह रही हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ ऊपर थे, पर अब तो ये अपने पांव पर हाथ रखकर जमकर बैठ गए। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा तो पहले कभी ना देखी। इसको क्या अर्थ हो सकता है? इनके हाथ ऐसे विश्राम की मुद्रा में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब से हमारे ये वृंदावन में ही रहेंगे सदैव। गणेश जी कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कल मेरा सत्य मैया के सामने ना आ जाए, इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वयंभू गजानन गणाधिपति महाराज की जय।
सभी ने वृंदावन को पूरे मन से अपना ही लिया। पर मेरे सारे सखाओं को क्या होगो? समय पे आते ही ना आजकल। आज फिर से विलंब कर दियो ना। कहाँ रह गया था? वसंता ये क्या होगो तुझे? तेरा मुंह इतना विचित्र रंग का कैसे होगो? बताओ ना। सबका साथ तो ठीक है ना? मुख पे, होठों पे ये नीला नीला सा रंग कैसे लगो है? होठों पे ही ना कहना, जीभ पे भी लगो है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक विशेष फल के कारण हुआ है। फल के कारण? हाँ, एक विशेष और चमत्कारी फल का प्रभाव है ये। अच्छा, तुम्हें कहाँ से मिला ये चमत्कारी फल? और मुझे लिए बिना क्यों गए? वृंदावन के घने वन में मिलते है जी। और वैसे भी ताई जी ने हम सबको तुझे वहां ले जाने से मना किया है। अच्छा, फिर मैया को वन जाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। बना पाओगे काना? इसमें कौन सी विशेष बात है दाऊ? बात बोली है मेरी मैया। उन्हें बहलाने में, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने में समय थोड़ी लगता है। कान्हा जी, क्या करोगे तू? अरे सुबल, फैजी की बात बता रहा हूँ। बस थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी, फिर मैया प्रसन्न हो जाएगी। और सेवा से भी ना मानी तो मैं करूंगा उनकी प्रशंसा। थोड़ी सी चकलूसी प्रशंसा से फूल जाएगी मैया। और यदि इसे भी सिद्ध ना हुआ, फिर मैं हो जाऊंगा भावुक और रो के दिखा दूंगा, फिर झट से मान जाएगी मैया। और फिर हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मैया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी सरलता से बहल जाएगी, प्रसन्नता से फूल जाएगी। ठहर ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। यशोमती आ गई। पता है, ये यशोदा जीजी से नहीं मिली ना, समझो किसी से नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी जेठानी, जसोदा जी हमारे वृंदावन की आत्मा है, समझी उर्मिला जी? वैसे भी गोप गोपियों के गांव ब्याह करके आई हो तो हमारे राजा रानी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ले चलूंगा उनसे भेंट कराने, ठीक है? सुनो जी, जब हम राजा रानी से मिलने चलेंगे तो क्या मैं जेही पहन के चलूं? जब आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब आपने मुझे ये दिया था, मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है ये। जी, बात बात पे भावुक क्यों हो जाती है और बार बार अपने मोतियों के माला के बारे में क्यों बोल रही है? मैं नंदराज और रानी भाभी के लिए मिठाइयां बनवाता हूँ, ठीक है? रानी और राजा के साथ साथ आप राजकुमार से भी मिलोगी भाभी। पता है हमारे वृंदावन की विशेषता क्या है? हमारे राजकुमार की मुस्कान और आंखें तो ऐसी हैं कि पल भर में किसी को भी सम्मोहित कर ले। और मुख, मुख तो ऐसो है जैसे चंद्रदेव स्वयं आ गए हो। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। बस बस, इतनी भी प्रशंसा की आवश्यकता ना है, चाहे वो जितने भी अच्छे हो, पर मेरे मन के राजा तो मेरे पति परमेश्वर ही हैं। अरे,
नन्ना सा है हमारा राजकुमार, पर तुम्हारा चित ना चुरा ले तो कहना। जी तो संभव ही ना है भाभी। एक बार कान्हा से मिल लो, फिर देखेंगे। मैया मान जाओ ना। ना, चाहे कछु भी कह ले या कछु भी कर ले, वन जाने का प्रश्न ही ना उठता। लल्ला, अभी दो ही दिन हुए हमें यहाँ वृंदावन आए, हमें तो पता भी ना है यहाँ के वन कैसे हैं, बालकों के लिए सुरक्षित भी है कि ना। पर मैया, अन्य सब बालक तो जाके भी आ गए, मुझे भी उनके तरह चमत्कारी फल खाना है। चमत्कारी फल? हाँ, वही वाला जिससे मुंह का, होठों का, जीभ का भी रंग विचित्र सा हो जाता है, नीला नीला सा। हो हो, तो जे बोलना। तो मैं अपने लल्ला के लिए वो चमत्कारी फल अर्थात जामुन यही मंगवा दूंगी। पर मैया, असली आनंद तो स्वयं वन जाके तोड़ के खाने में है। जे बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है काना। मित्रों के साथ वन में जाकर वृक्ष से जामुन तोड़कर खाने में बहुत आनंद आतो है, उत्ता आनंद घर में बैठकर जामुन खाने में ना आतो। तू चिंता मती कर, दोनों बाबा लल्ला आज वन जाएंगे और बहुत सारे जामुन तोड़कर खाएंगे। ये हुई ना बात। चलो। अच्छा जी, मेरा विचार जाने बिना ही दोनों आनंद लेने के लिए तैयार भी हो गए। नहीं यशोदा, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ कि ये वन बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना। फेरो, मुझे भी खाना है चमत्कारी फल, मैं भी साथ चलूंगी। चमत्कारी फल? ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पर मैं खाऊं कैसे? ये तो बहुत ऊंचाई पे है। खाना, अब तू अपनी मैया का चमत्कार देख लल्ला। तुझे जे फल खानो है ना, तो अब जे फल स्वयं चल के तेरे पास आएगो, देख तू। सुधा, जिसे फल खाने हैं उन्हें उसको पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। जे तो आप सही कह रहे हो। लल्ला ले, अब इसे तीव्रता से घुमा के बल लगा के फेंक। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। समझ गो मैया। ले, फिर से कर। इस बार तो तैयारी भी पूरी की थी, फिर भी ये वहां तक ना गयो। कान्हा, तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। अब तुझे जिस डाली से जामुन तोड़ने हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर और लक्ष्य साधो।
अब रस्सी पकड़ के जामुन अपनी ओर खींच ले, जा। जब तू इन बीज को बोएगा ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगा ना, तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा, बीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा उगाना है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना कान्हा, पौधा भी उसी का उगता है। मैया, यदि बीज पेट के अंदर चलेगा तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगा? हाँ, उग जाएगा। हाँ ना नल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जी लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस, सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जी जी ऐसी ही हैं, कछु भी कर सकती हैं और किसी से भी कछु भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो सच्ची में बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार। उर्मिला। अरे विवाह की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथा आशीर्वाद बना रहे, इतनी सुंदर जोड़ी है दृष्टि ना लगे। देख लेना, अब फिर से अपने मोतियों के माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। और मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना, मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनो अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले और कितनो अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। भतोहे जीजी जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, और देखो जे मोती की माला है ना, जे पति की ओर से उपहार है और बहुत विशेष है जे। कितनी भोली भाली है जे, और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ नहीं तो जी जी विवाह होगो पर अब तक सयान ही ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है। कान्हा जी देख, उर्मिला काकी है। नारायण नारायण कर। नारायण नारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलंब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना। हाँ। ठीक है,
इसे क्या देख रही हो आप? कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहे हैं जे? बताओ ना आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ। इससे पहले कि अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा, चले। अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हेलो मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है। हम पहली बार इनसे मिले हैं। कछु दे भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो चमत्कारी फल है आपके लिए मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियाँ मत खाना, पर आप चाहो तो इन्हें बो सकती हो। फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जी, भूल स्वयं करेगो, पर दोस्त आप भी लगा देगो। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, अकड़ में आने वालों में से ना है जी। और माखन चोर भी है जी। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ। क्या सोच रहा है लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी तो है और कितनी भोली भाली भी है और बड़ी भावुक भी है। हुँ? और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला, मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन दे के कितना अच्छा कियो। सच्ची वह थक गया होगा ना। हुँ? कितना घुमा आज, थोड़े समय के लिए सो जा। हुँ? आप सुनाओ। हुँ? चल आजा। यही बात कह रही थी मैं, उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहे हो है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले चार बार सोच लो उर्मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसके बारे में तो सोचना भी मत। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं जो आप सब ने करो है। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? अकेली कहाँ हो तुम? ये माला है ना, इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है उर्मिला। ठीक है, ये इच्छा करने से पहले चार बार सोच लो उर्मिला।
क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी ना किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो ना मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती, इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। तो यही द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। सर में बोल दियो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। मोहन, 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 आज ही बनायो है क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। स्वप्न में माखन खाने का क्या लाभ? लाभ तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तू मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगो तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं, अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो भीतर ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप फ्रेम देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो ही ना, केवल ये माखन मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे ये माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना? और ये बताओ, तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी, वार आपने खुला छोड़ा, और प्रश्न मुझसे कर रही हो? अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर दो है का? अच्छा आप रो मती, अब भैया कहती है भूल करो, उस पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दियो। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाया हुआ है तो वैर थोड़ी जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। रुको कान्हा। यशोदा जी जी। भाभी, यशोदा भाभी, भाभी। क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जी जी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं। आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जी जी? अब चलो भी। सुनो जी, काना भीतर सो रहा है। मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ। आप उसका ध्यान रखना। हाँ? ध्यान तो रख लूँगा। उसके लिए लल्ला भीतर होनो भी तो चाहिए। भीतर ना है? ना। बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो? अरे काना, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हो? पर तेरी सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना, कहाँ गए हो बिना बताए? वृंदावन से अभी परिचित ना है लल्ला, बिना बताए कहाँ चला जाएगा? ये रहो काना, मेरे साथ था। देख लियो तुम सबने, माखन चोरी ना कर रहा था, अपने ताऊ जी के साथ था। क्यों रे, बिना बताए कहाँ चला गया था? आप इतनी गहरी नींद में सोई थी मैया, आपको जगाना अच्छी बात होती क्या? अच्छा जी, इतना सयाना होगा तू? जसोदा जी जी, क्या होगा उर्मिला? आपका लल्ला मेरे घर आया था जीजी, माखन चुराने, माखन चुराने, माखन चुराने। नाना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है? जे तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? हाँ, ये मेरे ही साथ, अर्थात मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था, तो मार्ग में मुझे काना। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही, क्योंकि जब मैंने काना को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी,
इसलिए वो ही माला तोड़ दी जीजी, जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने काना को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया, यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो, मैं दंड के लिए तैयार हूँ। मैया, मार दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा, दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए। ये कान्हा, जे कोई साधारण मोतियों की माला ना है, वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना, उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जी जी जी, मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो। वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है, इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे, मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना, चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी है। कान्हा, अधिक बातें मत बना, आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया, मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुओ अच्छे के लिए हुओ। आज के इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़नो चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है, ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों, राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा, अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है।
बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। सुनो ना बाबा, तुझे पता है लल्ला तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है, तो तू ही बता, जो तुझ पर सारा संसार न्यौछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहे को, तेरी कमियां निकाले को, कुछ भी करे को, कैसा लगे को उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा जिसकी सब निंदा करे। पर बाबा, मैं तो बात थारे अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगा। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, और बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती, यही समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती, ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज, सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना मुझसे, ना तेरी मैया से मांग। पर बाबा, मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य। बैठो ना जीजी, बैठो, आजा लल्ला बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बनो। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू, हम सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मत ही जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत करो, बस सारा प्रेम दाव पे लौटा दो। हाँ, नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगो, मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना, रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही गल जाती है सारी माए। हाँ, ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए हैं, खा। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना, कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है।
ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अपमान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, ये तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अब इतना भी क्रोध मत ही करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भार है इनमें, आंसू मोटे मोटे से, कर दो क्षमाप त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना, अपने प्यारे कान्हा को आप हृदय से लगाओ ना, सुनो मैया तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है, जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है, है प्रेम दिया है अच्छे अच्छे से संस्कार दिए, बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए, पलकों में बैठाया तो मुंह फेर के जाओ ना, मान भी जाओ जाओ ना, अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना, अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ जेना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है, सबसे पहले तुझे जे स्वीकार करना पड़ेगो कि तुझसे भूल हुई, फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए, तुझे जे आभास होना चाहिए कि जो हुओ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा, और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए, और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगो। मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया, आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूंगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा काना, अब जा विश्राम कर जा। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ, आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बार क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था कि साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और करो दादो। आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो, आप मेरे दाऊ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ, सार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते? पर बाबा से पूछ सकते है कान्हा। यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक हो तो है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ। अब सच्ची में समझ गए काना? क्या मैं समझाऊ? नाना दाऊ आप तो रहने ही दो। तो बताओ अब तुमने जो हानि की है उसे सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम? एक उपाय है पर मुझे उसके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी सहायता? उन्हीं की जिनके पास उपहारों का भंडार है। उपहार भंडार काना। Yeah.